नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना और वक्त हो गया है हल्ला बोल का। तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री को लेकर सस्पेंस बना हुआ है और इस सस्पेंस के बीच आज तक ने मुख्यमंत्री के दावेदारों को लेकर लोगों की राय जानी। तीनों राज्यों के लोगों से सीएम दावेदारों के बारे में हमने सवाल पूछा। हम आपको दिखाएंगे कि आखिर पब्लिक किसे सीएम के तौर पर देखना चाहती है। हम दिखाएंगे कि किस नेता को जनता ने सीएम दावेदारों की फेहरिस्त में आखिर कितने नंबर दिए हैं। राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़ में हमने ये सर्वे किया है। 12 दिसंबर को हमने ये सर्वे किया है और इस सर्वे के नतीजे क्या है ये हम आपको आज बताएंगे। लेकिन उसके पहले मेथोडोलॉजी क्या है, तरीका क्या है, ये जान लीजिए। कांग्रेस के वोटरों के बीच जाकर हमने ये सर्वे किया है। सैंपल साइज है 4522 लोगों का और इस सैंपल साइज के बीच हमने जाकर सवाल पूछे। उन सवालों के जवाबों के आधार पर जो नतीजे आए वो हम आपके सामने रखेंगे कि राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में आखिर कांग्रेस को जिन लोगों ने वोट किया वो किसको मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। 57% लोग अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। राजस्थान में कांग्रेस के लिए जिन लोगों ने वोट किया उनसे जब हमने नेता के लिए सवाल पूछा वो किसको मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं तो 57% ने अशोक गहलोत के लिए, 39% ने सचिन पायलट के लिए अपनी इच्छा जताई है। यानी कि आधे से भी ज्यादा वोटर अशोक गहलोत को राजस्थान का मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं और कांग्रेस सूत्रों की माने तो रेस में अशोक गहलोत ही आगे चल भी रहे। कांग्रेस का नेतृत्व भी ये संकेत दिए जा रहे हैं कि चाहता है कि अनुभवी चेहरे अशोक गहलोत को राज्य की कमान सौंपी जाए। हालांकि सचिन पायलट युवा नेता के तौर पर उभरे हैं। सचिन पायलट की मेहनत इस जीत में निश्चित तौर पर एक जगह रखती है, एक स्थान रखती है, लेकिन अशोक गहलोत का अनुभव उसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता। ये तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं, जयपुर में घटनाक्रम लगातार तेजी से बढ़ रहा है इस तरफ कि वहां कांग्रेस पार्टी नेता चुनने के बाद ऐलान कब करती है। बताया जा रहा काफी देर से कि किसी भी समय ये मीटिंग खत्म हो सकती है कांग्रेस आला कमान की तरफ से हरी झंडी मिलने के बाद। वहां मुख्यमंत्री कौन होगा इस बात को लेकर ऐलान किया जा सकता है। और इसी तरीके से मध्य प्रदेश में भी आखिरी पड़ाव पर चर्चाओं का दौर चल रहा है जहां किसी भी समय मीटिंग के बाद ये ऐलान किया जा सकता है कि मुख्यमंत्री किसको बनाया जाएगा। लेकिन आज तक का जो सर्वे है वो ये कहता है कि अशोक गहलोत को 57% कांग्रेस के मतदाताओं में लोग मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। 39% की पसंद सचिन पायलट हैं और ये आप देख सकते हैं कांग्रेस पार्टी का दफ्तर जहां इस वक्त भारी भीड़ है, मीडिया के कैमरे बड़ी तादाद में हैं और पुलिस बल अचानक बढ़ा दिया गया, सुरक्षा वहां पर और कड़ी कर दी गई है इस समय। क्योंकि किसी भी समय वहां पर ऐलान होने वाला है कि मुख्यमंत्री किसको बनाया जाएगा और सुबह से राजस्थान में जयपुर में कांग्रेस के दफ्तर के बाहर बड़ी तादाद में समर्थकों का हुजूम है। एक तरफ सचिन पायलट के समर्थक हैं और दूसरी तरफ समर्थक हैं अशोक गहलोत के। लेकिन जो हमारा सर्वे बता रहा है वो ये कहता है कि आधे से ज्यादा लोग अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं और जो स्थिति इस समय बन रही है ऐसा लगता है किसी भी समय औपचारिक तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो सकती है, वहां पर ऐलान हो सकता है कि मुख्यमंत्री किसको बनाया जा रहा है। हमारे साथ आज संबित पात्रा हैं जो प्रवक्ता हैं बीजेपी के, राजीव राय हैं वो कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे, राजीव राय समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे, संजय झा कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ आज हल्ला बोल का हिस्सा बनेंगे। हमारे साथ आलोक मेहता है यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार है, शरद प्रधान है वरिष्ठ पत्रकार है, आशुतोष है वरिष्ठ पत्रकार है और डॉक्टर सतीश प्रकाश है वो बीएसपी का पक्ष रखने के लिए नोएडा स्टूडियो में हमारे साथ यहाँ आ चुके हैं। लेकिन इन सबसे बात करें उसके पहले जो तस्वीर इस समय जयपुर से आ रही है वो देखनी जरूरी है। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राजस्थान कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में इस समय कैसा घमासान मचा हुआ है। किसी भी समय यहाँ मुख्यमंत्री के तौर पर किसके नाम को लेकर मुहर लगी है इसका ऐलान हो सकता है। शरद प्रधान, आपको लगता है अशोक गहलोत पर ही पार्टी आला कमान भरोसा जताएगा? मुझे लगता है कि हालात जिस तरीके के हैं, अगर बीजेपी की विक्ट्री एक बड़ी मार्जिन के साथ होती, कांग्रेस की विक्ट्री अगर बड़ी मार्जिन के साथ होती
तो शायद सचिन को बनाने में कोई एतराज़ नहीं होता, लेकिन जिस तरीके के हालात हैं और जहाँ पे बहुत से लोगों को बहुत सी चीज़ें स्ट्रैटेजीज करनी पड़ेंगी, उसमें एक एक्सपीरियंस की बहुत ज़रूरत है। मुझे एक चीज़ नहीं समझ में आ रही कि क्या वजह है कि एक को मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता। और उससे उससे एक और फ़ायदा हो सकता है कि देखिए, सचिन को लर्निंग का भी टाइम मिलेगा, नहीं तो वो उत्तर प्रदेश की तरह जैसे अखिलेश यादव को बना दिया गया था और बाद में उनके और पिताजी में घमासान हुआ परिवार में। चार साल में कुछ तो लर्निंग ली होगी, सचिन पायलट ने इतना धूल फांका उन्होंने। नहीं नहीं, बहुत मेहनत करी है, लेकिन गवर्नेंस और पार्टी की, पार्टी को चलाना और एडमिनिस्ट्रेशन को चलाना में बड़ा फर्क है। तो अगर अगर वो शुरू में ये करते हैं और बाद में लेटर ऑन चेंज कर सकते हैं, अगर कांग्रेस को लगता है ऐसी स्थिति बनती है तो मुझे लगता है एक बैलेंस। लेकिन जिस तरीके का घमासान शुरू हो गया, देखिए कांग्रेस के बारे में एक हमेशा कहा जाता है कि जब तक कांग्रेस पावर के बाहर रहती है तब तक बड़ी शांति रहती है, जब वो पावर में आती है तो जयपुर में इस समय देखिए उनकी एक रिपोर्ट दिखा देते हैं, वहां सुरक्षा के इंतजाम कैसे अचानक कड़े कर दिए गए हैं। शरद की रिपोर्ट आपको दिखा, अगर मारपीट हो जाएगी कहीं तो सोचिए कितनी बदनामी और कितना एम्बैरेसमेंट होगा। दिखाते हैं शरद ने क्या रिकॉर्ड किया है कैमरे में। राजस्थान में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, कांग्रेस में फैसला जितनी देरी से लिया जा रहा है उतनी बड़ी संख्या में समर्थक यहां पर जुटते जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में यहां पर समर्थक जुटे हुए हैं। एहतियात के तौर पर आंसू गैस के गोले छोड़ने के लिए भी पुलिस गाड़ी आ गई है, रैपिड एक्शन फोर्स को बुला लिया गया है। बड़ी संख्या में देखते हैं कितनी बड़ी संख्या में पुलिस कर्मी यहाँ पर लगा दिए गए हैं। जिस तरह से यहाँ पर हालात बिगड़ने की आशंका जताई जा रही है उसमें ऐसा पुलिस को लगता है कि अगर सपोर्टर के मन के मुताबिक नेता घोषित नहीं हुआ तो हो सकता है कि यहाँ पर हंगामा मच जाए, जिसकी वजह से अचानक से शाम को बड़ी संख्या में रैपिड एक्शन फोर्स और राजस्थान पुलिस के जवान बुला लिए गए हैं। साथ ही आंसू गैस के गोले छोड़ने वाले वाटर कैनन की गाड़ियां भी मंगा ली गई है। तो समझा जा सकता है कि कांग्रेस के अंदर का द्वंद क्या चल रहा है। जिस तरह से राजनीतिक रूप से मुख्यमंत्री बनाने के लिए आए हैं लेकिन टकराव को देखते हुए इस तरह के इंतजाम पुलिस को करने पड़ रहे हैं। कैमरामैन निखिल शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर आज तक। तो सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने पड़े हैं और देखिए दोनों नेताओं को बाहर आके कहना चाहिए था अपने अपने समर्थकों से कि अपने अपने घर जाइए, शांति रखिए, पार्टी आलाकमान फैसला करेगा, टीवी से नहीं तो मोबाइल फोन पे मैसेज करके आप लोगों को जानकारी दे दी जाएगी कौन मुख्यमंत्री बन रहा है। लेकिन दोनों की तरफ से नहीं होना ये संकेत देता है कि दोनों ही दावेदार अपने कदम पीछे खींचने को तैयार नहीं है। संजय झा के पास चलेंगे, संबित पात्रा के पास चलेंगे, राजीव राय के पास चलेंगे, सतीश प्रकाश के पास चलेंगे, लेकिन उसके पहले मध्य प्रदेश में भी हमने कांग्रेस के वोटरों के बीच सर्वे किया, उनसे पूछा कि बताइए आप किसको मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। 3,444 कांग्रेस के वोटर से हमने सवाल पूछा, तो उनकी चॉइस मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के लिए क्या थी ये आपके सामने हम रख रहे हैं। 53% लोगों को लगता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री होना चाहिए, यानी कि राजस्थान के वोटर जहां अशोक गहलोत पर भरोसा जता रहे हैं वहीं मध्य प्रदेश में कांग्रेस के वोटर युवा ज्योतिरादित्य सिंधिया को पसंद करते हैं ज्यादा। 41% को लगता है कि कमलनाथ को मुख्यमंत्री चुना जाना चाहिए, 53% ज्योतिरादित्य, 41% कमलनाथ और 2% ऐसे भी हैं जो अभी भी दिग्विजय सिंह में आस्था रखते हैं और वो मानते हैं कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। संजय झा, हमारा सर्वे ये कह रहा है 57% लोग राजस्थान में अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, उनमें जिन्होंने कांग्रेस को वोट किया। कांग्रेस पार्टी को इतनी देर क्यों लग रही है इस नाम पर मोहर लगाने में? देखिए रोहित जी, सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि हमें जनादेश मिला है, हम इसके आभारी हैं, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और जैसे कल श्री राहुल गांधी जी ने खुद कहा कि हम इस वक्त ये हम समझते हैं कि कांग्रेस पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं, मार देखिए आप मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में 15 साल तक हम सत्ता में नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपने हौसला अफजाई को कभी कम नहीं होने दिया। और हम समझते हैं कि आज तीनों राज्य में जब हमारी सरकार बनने वाली है तो हमारे सामने नेतृत्व, अच्छे नेतृत्व की कमी नहीं है। और यहाँ पर इस समय मैं समझता हूँ कि भावनाएं थोड़ी, या उनकी जुस्तजू हो या जज्बा हो, वो थोड़ा ऊपर हो सकता है, परंतु जो भी निर्णय लिया जाएगा वो राज्य के हित में होगा और हमारे सब जो नेता लोग हैं वो मिलकर उनका समर्थन करेंगे। संजय जी, कश्मकश तो ये मैं समझता हूँ कि कुछ ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। और जैसे सचिन पायलट जी ने कहा है, कहिए पूछिए रोहित जी, कश्मकश किस बात की है? नहीं,
नहीं नहीं देखिए, यहाँ पर कोई कश्मकश या दुविधा नहीं है हमारे सामने। अब आप देखिए, गहलोत जी को देखिए या सचिन पायलट जी को देखिए, गहलोत जी पहले भी मुख्यमंत्री रहे हुए हैं। मैं खुद, मुझे अपनी अपना तजुर्बा है कि सचिन पायलट जी ने कितना मेहनत किया है पिछले 4.5 साल में, मैं खुद भी जानता हूँ। आप यदि मध्य प्रदेश को देखिएगा तो कमलनाथ जी या दिग्विजय सिंह जी या ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, ये लोग सब दिग्गज नेता हैं। ये लोग जो ज़मीनी स्तर पर लड़ते हैं, इन्होंने बहुत सफलता देखा है। दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री रहे हैं। मैं यही समझता हूँ कि देखिए, इस समय हम चाहते हैं कि एक अच्छा एक नेतृत्व हो। हमारे पास अच्छे राजनेताओं की कमी नहीं है। और यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूँगा, संबित पात्रा जी शायद इस पैनल में हैं, कि उनके भी जो मुख्यमंत्री रमन सिंह जी हों या शिवराज सिंह चौहान जी हों, उन्होंने भी अच्छा काम किया था, इसीलिए उनको 15 साल तक वो सत्ता में थे। तो हम चाहते हैं कि इस वक्त नकारात्मक कोई, मैं समझता हूँ कि वार्तालाप की ज़रूरत नहीं है। कुछ ही घंटों में या मैं समझता हूँ कि कोई ना कोई निर्णय लिया जाएगा और ये हमारे विधायक पहले सेट कर लेना चाहते हैं। भविष्य में हमारी कोशिश यही होगी, क्या नहीं बोलेंगे तो उन्हीं को तय करना है, अच्छा शासन हो और वहाँ के आवाम के लिए हम अच्छी खबर। हमें लगता है पहले अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं को सेट करते नेता बाहर आके, ज्योतिरादित्य सिंधिया कहते, सचिन पायलट कहते, अशोक गहलोत कहते, लोगों से के घर जाइए, शांति बनाए रखिए, तय होगा तो आपको बता दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, इसका मतलब यह है कि दावेदारियां जोरदार तरीके से रखी जा रही हैं। छत्तीसगढ़ का समीकरण क्या है? आम जनता से जब हमने पूछा, जिन्होंने कांग्रेस के लिए वोट डाला है, कि आप किसको सीएम के तौर पर छत्तीसगढ़ में देखना चाहते हैं, तो उनकी राय क्या थी, आपको यह भी दिखा देते हैं। 1770 लोगों से हमने बात की जिन्होंने कांग्रेस के लिए वोट किया था, उन्होंने क्या राय दी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के तौर पर, वो किसको पसंद करेंगे, इसकी भी तस्वीर हम आपको दिखा देते हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के वोटर सीधे सीधे ज्योतिरादित्य को चाहते हैं, राजस्थान में अशोक गहलोत को चाहते हैं, यहां टीएस सिंहदेव 38% वोट हासिल कर रहे हैं अपने वोटरों के बीच, यानी कि टीएस सिंहदेव को 38% लोग चाहते हैं कि वो सीएम बने। भूपेश बघेल, जिनको फ्रंट रनर माना जा रहा रेस में, वो 34% वोटों के साथ दूसरे नंबर पर आते हैं और 11% वोटों के साथ ताम्रवचन साहू, ताम्रध्वज साहब, वो तीसरे नंबर पर है। जबकि कहा यह जा रहा था कि ये डार्क हॉर्स साबित हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि अचानक आप सुने कि ताम्रध्वज साहू को पार्टी ने मुख्यमंत्री की कमान सौंप दी है। संबित पात्रा, संजय झा हालांकि आपसे उम्मीद नहीं कर रहे और उन्होंने एक तरीके से रिक्वेस्ट भी कर दी है कि कोई ऐसी बात ना हो, लेकिन फिर भी आप अपनी बात रखें जो आप कहना चाहते हैं इस पूरे घटनाक्रम को देखने के बाद जो जयपुर और मध्य प्रदेश में चल रहा है। देखिए, पहले तो मैं संजय झा जी को बधाई देना चाहूंगा कि 3 राज्यों में उनकी जीत हुई है। हम बहुत नोकझोंक करते हैं बहुत सारे चैनल में, मगर आज वो बधाई के पात्र हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। दूसरी बात है, जहां तक चीफ मिनिस्टर के सिलेक्शन का विषय है, मेरा इसमें क्या रोल होगा? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, शादी संजय झा के घर में हो रही है, मैं उस पर नोकझोंक क्यों करूँ? कौन बने कौन नहीं बने ये मेरा विषय भी नहीं है, ना होना चाहिए। मगर हाँ, आप लोगों ने मुझे यहाँ बहस पे बुलाया है तो एक बड़े कैनवस पर इस विषय को एक्स्ट्रापोलेट करने की आवश्यकता है। देखिए, राजनीति में महत्वाकांक्षाएं होती हैं, स्वाभाविक भी और होनी भी चाहिए, मगर महत्वाकांक्षाओं को सड़क पर निपटाया जाए यह बात राजनीति में उचित नहीं है। अभी आपने दिखाया रिपोर्ट के माध्यम से कि आंसू गैस, कैनन वाटर, लाठी चार्ज के लिए पुलिस, यह कांग्रेस के दफ्तर के बाहर आई है, क्योंकि दो लोगों के बीच में चयन होना है कि आखिर मुख्यमंत्री कौन बनेगा। देखिए, अभी महागठबंधन की भी सुगबुगाहट चल रही है, आज अखिलेश जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, कल मायावती जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। अगर एक पार्टी के अंदर एक मुख्यमंत्री के पद के लिए आंसू गैस, हथगोले, लाठी चार्ज, वाटर कैनन, ये सब आ गया है और लॉ एंड ऑर्डर परिस्थिति बिगड़ने का सवाल है, तो महागठबंधन और प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट के लिए जो लोग दूसरी दूसरी पार्टी से होंगे, कांग्रेस के होंगे, समाजवादी पार्टी के होंगे, ममता दीदी खड़ी होंगी, मायावती जी खड़े होंगे, टीडीएस के लोग, टीडीपी के लोग, चंद्रबाबू नायडू होंगे, जब ये लोग होंगे तो आप सोचिए वहां का दृश्य किस प्रकार का भयावह दृश्य हो सकता है। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं। आप लोगों पर भी कमेंट कर दिया डॉक्टर साहब इन्होंने तो साथ साथ। नहीं नहीं, देखो ऐसा है ना, संबित जी को इतना चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। गठबंधन, देखो ऐसा है कि गठबंधन भारतीय राजनीति की मजबूरी है और ये गठबंधन कहीं ना कहीं होकर के रहेगा रहेगा। रही बात दूसरी कांग्रेस वाली जो बात है, इसमें मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि अभी चूंकि 2019 का इलेक्शन है और ये कांग्रेस का इंटरनल मामला है, लेकिन मेरे व्यक्तिगत विचार ये है कि कांग्रेस को ज्यादा एक्सपेरिमेंट ना करके जो लोग ऑलरेडी
एस्टेब्लिश लीडर हैं, क्योंकि 2019 में आप यूथ को ला करके परिवर्तन तो बहुत फास्ट कर सकते हैं, लेकिन वो परिवर्तन किस डायरेक्शन में जाएगा कभी कभार ये भी हो सकता है, क्योंकि 2019 का इलेक्शन पहले प्रीफरेंस में होना चाहिए। ऐसे में मेरा मानना ये है व्यक्तिगत रूप से कि इसमें अनुभव ही लीडर्स की तरफ लोगों का ध्यान देना चाहिए। अच्छा, ये बड़ी अजीब बात है, आप पहली लाइन में कहते हैं कि गठबंधन भारतीय राजनीति की मजबूरी है जी, चौथी लाइन में कांग्रेस को ये भी बताने लगते हैं कि सीएम किसको बनाओ। नहीं नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा कि पीएम भी मैं डिसाइड करूंगा। नहीं नहीं, वो उनका इंटरनल मामला है, मैंने ये कहा कि मेरे से व्यक्तिगत रूप से। आपने क्या कहा ये सबने सुना जी, और मुझे नहीं लगता कि मैंने उसको कहीं गलत, नहीं नहीं, मैंने बहुत गलत रीड कर लिया। व्यक्तिगत रूप से एज ए मुझे ये लगता है कि 2019 का जैसे हालात है, उन हालात में अगर बीजेपी को हटाना है तो सभी लोगों की ये जिम्मेदारी है कि जिन स्टेट में सरकार, जो लोगों ने, जनता ने जो विश्वास जगाया है, उस विश्वास पे कायम रहने के लिए, अच्छा गवर्नेंस देने के लिए, कोई भी व्यक्ति इस बात को कह सकता है कि आज जरूरत एक अनुभवशील व्यक्ति की ज्यादा जरूरत है। देखो, परिवर्तन कर सकते हैं, अगर आपके पास समय हो तो आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, लेकिन ये समय एक्सपेरिमेंट करने का नहीं हो सकता। संबित पात्रा ने ऐसी बात कही है जिसमें गौर करना चाहिए। तो गौर तो करे रहे ना, देखिए गौर करने की कोशिश की तो उसमें दो लाइन और नहीं निकल आई है, जिसमें कि वो पार्टी जिनके फिलहाल तो मुझे लगता नहीं लोकसभा में कोई सांसद भी है। नहीं नहीं, देखो नहीं सांसद है ना, नहीं है ना, ठीक है, कोई लेकिन, इस पे, लेकिन, नहीं, मैं इस पे कोई तंज नहीं कर रहा हूं। मैं राजीव राय के पास जा रहा हूँ, उनके तो फिर भी 5 हैं एक परिवार के। राजीव राय साहब, आज बीएसपी के समर्थक सपोर्टर प्रवक्ता जो भी हमारे साथ हैं, वो ये भी सलाह दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी को कि भाई मुख्यमंत्री आपको किसको बनाना चाहिए, तो फिर तो संबित पात्रा की चिंता जायज है कि कल को आप महागठबंधन में होंगे तो आप ही लोग डिसाइड करेंगे कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन विदेश मंत्री होगा, कौन रक्षा मंत्री होगा, प्रधानमंत्री, कौन प्रधानमंत्री होगा। आदरणीय संबित पात्रा जी को जिस चिंता के लिए देश की जनता ने सत्ता सौंपी थी, उस चिंता पर खरे नहीं उतरे, तो मुझे नहीं लगता है कि उन्हें चिंता करने की जरूरत है। कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, जीते हुए विधायकों का अंदरूनी मामला है, वो किसको अपना मुख्यमंत्री चुनते हैं। हमारी पार्टी की तरफ से हमारी शुभकामनाएं उनको होगी कि जिस उम्मीद के साथ वहाँ जनता ने सत्ता परिवर्तन किया है, उन उम्मीदों पर आप खरे उतरें, और जिन वादों के साथ आप चुनाव में गए थे, जैसे कि मध्य प्रदेश में उन्होंने किसानों को ऋण माफी की बात कही थी, हमारे राष्ट्र अध्यक्ष जी ने कहा था, उन पर कोई कोलाहल ना हो, कोई कोताहत ना हो, कोई देरी ना हो, तत्काल उसको करें कि 19 के चुनाव से पहले लोगों में विश्वास जगे। हमारे राष्ट्राध्यक्ष जी ने चुनाव से पहले जो बात कही थी, वो भी आज वही बात हम आज भी कह रहे हैं और कल भी उसी बात पर कायम रहेंगे कि देश को अगर भारतीय जनता पार्टी के अहंकारी बांटने वाले, नफरत की राजनीति करने वाले, जुमला बोलने वाले के लोगों से मुक्ति दिलाना है तो सारी पार्टियों को बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा। और मुझे उम्मीद है कि जो तीनों राज्यों की जनता ने संदेश दिया है, ये सारे राजनीतिक पार्टी के नेता इस बात को समझ रहे होंगे और विकल्प भी अच्छा मिलेगा देश को। ये जो आप शब्द इस्तेमाल करते हैं कि बड़प्पन दिखाना पड़ेगा, एक समय में इसका मतलब यह होता था कि मुलायम सिंह को या तो प्रधानमंत्री बनाइए या रक्षा मंत्री या गृह मंत्री जैसा कोई मलाईदार पद दीजिए। आज जब आप लोग कहते हैं बड़प्पन दिखाना पड़ेगा, इसका तात्पर्य क्या है सर? तात्पर्य हमारे राष्ट्राध्यक्ष जी ने, मैंने स्वयं और हमारे सारे प्रवक्ताओं ने कई चैनलों पर कई बार बोला है, जब मध्य प्रदेश में देखिए, बड़ी बेबाकी से मैं बोलूंगा, अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात मान ली गई होती तो कांग्रेस बॉर्डर लाइन पर दोनों राज्यों में नहीं हुई होती। मेरा सिर्फ तात्पर्य इतना है कि देश के सामने बड़ा लक्ष्य है, हम किसी पद की मांग नहीं कर रहे हैं, हमें किसी पद की लालसा है। बड़ी बेबाकी से इस बात को साफ कर दूं कि हमारा बड़ा दिल दिखाने का मतलब ये नहीं कि आप हमें प्रधानमंत्री बनाइए, उप प्रधानमंत्री बनाइए, कैबिनेट में दीजिए। बड़ा दिल दिखाने का मतलब कि एक दूसरे को अकोमोडेट करना, एडजस्ट करना, और जनता की उम्मीदों पर, क्योंकि जनता निराश हो चुकी है, 4.5 सालों में जनता निराश हो चुकी है। आज प्रधानमंत्री जी उन किसी बातों को नहीं बोलते हैं जिस बातों को लेकर 2014 में चुनाव प्रचार में गए थे। संजय झा साहब को लगता है तो हमारी शुभकामनाएं उसके लिए भी है। आप ब्लैकमेलिंग शब्द का इस्तेमाल क्यों कर, हम तो ब्लैकमेलिंग के शब्द की कोई बात ही नहीं कही कि हम ब्लैकमेल करेंगे हमें पद चाहिए, तो मैं तो स्पष्ट कर दिया कि हमें किसी पद की लालसा नहीं है। चलिए, इस समय एक बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को पहले वो खबर बता दें, संजय झा थोड़ी राहत भी महसूस करेंगे उससे। खबर ये आ रही है कि कांग्रेस विधायक दल की बैठक भोपाल में खत्म हो गई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कमलनाथ के नाम का बतौर मुख्यमंत्री प्रस्ताव कर दिया है। अब कांग्रेस आलाकमान को इस पर आखिरी फैसला लेना है।
हालांकि आपको बता दें कि आज तक ने जो सर्वे किया उसमें कांग्रेस को वोट देने वाले ज्यादा लोगों की जो इच्छा है, जो चाहत है, वो ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुख्यमंत्री के तौर पर देखने की है। 53% लोग ज्योतिरादित्य को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। लेकिन संजय झा, आपका एक कमेंट जल्दी से, लोगों की इच्छा के उलट आपकी पार्टी ने कमलनाथ को प्रस्ताव भेज दिया है कि मुख्यमंत्री बनाया जाए। देखिए, ये लोग, हम लोग सब मिलकर हम समझते हैं कि ये सामूहिक तरीके से इस पर सब लोग सहमति के साथ ये निर्णय ले रहे हैं। मैं राजीव जी ने जो कहा है उस पर मैं एक टिप्पणी कहना चाहूँगा कि देखिए, बिल्कुल सही कहा है उन्होंने। महागठबंधन एक हकीकत है और ये होने वाला है, और जहाँ तक हर राज्य में एक हर राज्य की अपनी विशेषता होती है, उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा का बहुत ही अहम भूमिका होने वाला है, वहाँ पर कांग्रेस पार्टी उतनी मजबूत नहीं है, और ये बात बिल्कुल सच्चाई है, इस पर हम हिचकिचाना नहीं चाहेंगे। तो हम समझते हैं कि देखिए, बसपा सपा जो भी जितने पार्टीज हैं जिन्होंने हमें समर्थन दिया है मध्य प्रदेश में, राजस्थान में भी, ये इस बात का मैं समझता हूँ कि मिसाल है कि महागठबंधन एक सच्चाई है। आपको तो इसलिए बातें कर रहे हैं कि अंत में उत्तर प्रदेश में हारती राज बब्बर ने कहा था कि इनकी वजह से हार गए हम लोग, वरना तो हम बेहतर कर लेते, लड़ लेते, दोनों एक दूसरे को ब्लेम कर रहे थे। नहीं देखिए, मैं इस समय इतना ही कहना चाहूंगा कि देखिए, अब मुख्य चुनाव 4-5 महीने दूर है, और हम अच्छी तरीके से जानते हैं रोहित जी कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए हमें हर राजनीतिक दल जिसके साथ हमारा विचारधारा एक है, कल भी श्री राहुल गांधी जी ने इसी बात को दोहराया, आप यदि सपा और बसपा की भी यदि आप विचारधारा देखेंगे तो वो गरीबों के लिए लड़ते हैं, वो धर्मनिरपेक्षता में उनका विश्वास है, और हमारा जो सोच है, जो नजरिया है, वो देश को मजबूत करना है। मोदी लोग को अभियान में जो आपके साथ आएगा आप उसका स्वागत करते हैं। हम समझते हैं कि ये लोकतंत्र के लिए अच्छा होगा। मानते हैं नहीं मानते, महागठबंधन आगे बात होगी जब वो शर्तें रखी जाएंगी। हम समझते हैं 2004 और 14 के बीच में, ठीक है, समित पात्रा कमेंट करना चाहते हैं, बोलिए समित पात्रा। मैं दो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पे कमेंट करना चाहता हूं। बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया UPA 1 और UPA 2, बोलिए समित। रोहित जी, मैं दो बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं पे कमेंट करना चाहता हूं। पहला, कि जिस भी प्रवक्ता से आप, चाहे समाजवादी पार्टी, बसपा या कांग्रेस से पूछे, सभी के प्रवक्ताओं का एक ही मत में कहना है, एक ही स्वर में कहना है कि मोदी को हटाने के लिए या बीजेपी को हटाने के लिए 2019 में एक मजबूरी है जिसका नाम गठबंधन है, कंपल्शन है कोएलिशन का। देखिए, आपने कल एक नैरेटिव इन लोगों ने फ्लोट करने की कोशिश की थी, हम तो 3 राज्यों में जीत गए, अब तो 2019 में बड़ा आसान होगा। देखिए, अगर इतना ही आसान होता तो आप अकेले के दम पे कर लेते। ये जो मजबूरी है कोएलिशन का, ये दिखाता है कि 2019 की कहानी अलग है। दूसरी बात, और मैं देखिए आप ही के चैनल में रोहित जी, आपके डिबेट अकेले लड़ रहे हैं बीजेपी, अकेले लड़ रहे हैं, बहुत बड़ी बात कहूंगा। नहीं, हम तो कोएलिशन में लड़ रहे हैं। और शुरू हुई और विधायक दल की बैठक में ऑब्जर्वर बन के एक एंजिन साहब एवं राजस्थान से पूर्व सांसद आए, भवर जितेंद्र सिंह जी आए, और बैठक में सर्वसम्मति से सभी विधायकों ने ये निर्णय लिया कि विधायक दल के नेता का चयन आदरणीय राहुल जी, जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन पे छोड़ा गया है। और विधायक गण जो आदरणीय एंटनी जी से और भवर जितेंद्र सिंह जी से चर्चा करना चाहते हैं, वो चर्चा भी कर रहे हैं, पर सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया है कि विधायक दल का नेता आदरणीय राहुल जी तय करेंगे। प्रस्ताव आरिफ अकील जी ने रखा था, जो सीनियर मोस्ट है, और इसका समर्थन कई विधायकों ने करा था, और ये निर्णय लिया गया है। तो अब इस कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, इस बार बिल्कुल साफ तौर पे हमने कहा था कि लड़ाई हमारी किसी पद को लेकर नहीं है, लड़ाई हमारी
हमारे नेताओं की भूख, हमारे नेताओं की मेहनत इस मध्य प्रदेश को कुप तमाम भ्रष्टाचार और जो कुशासन से मुक्ति दिलाने की थी। हम सब एकजुट होके लड़े थे और आज उसी के चलते आज ये दिन देखने को मिला है और इसके लिए सभी नेता और कार्यकर्ता बधाई के एक एक करके भाई सबकी आवाज सही है, बिल्कुल भी नहीं है। मैं ये विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं, कुछ नहीं है। तमाम विधायक चाहते हैं कि ये निर्णय राहुल जी पे छोड़ा जाए। देखिए एंटनी जी, एक बार ने तो शोभा ओझा कह रही हैं कि कांग्रेस विधायकों ने, कांग्रेस आलाकमान राहुल गांधी पर यह फैसला छोड़ा है कि वो किसको नेता चुनते हैं। हालांकि जो खबर आ रही है उसके मुताबिक आखिरी फैसला राहुल गांधी को करना है, लेकिन विधायकों की तरफ से ज्योतिरादित्य सिंधिया से प्रस्तावित कराया गया कमलनाथ का नाम और उस पर राहुल गांधी को मुहर लगाकर अंतिम ऐलान करना है। देर रात तक माना जा रहा है कि यह ऐलान आज हो सकता है। संबित पात्रा, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं, फिर मैं आशुष जी से कमेंट लूंगा आपकी बात पर, जल्दी। देखिए, मैंने आपकी डिबेट के दौरान एक बड़ी बात पहले भी कही थी। आपने कहा था अगर भविष्य में मध्य प्रदेश में सरकार बनती है कांग्रेस की तो कौन मुख्यमंत्री बनेगा। एक बात याद रखिए, जहां तक आपकी पॉपुलैरिटी चार्टिंग के हिसाब से ज्योतिरादित्य सिंधिया होंगे यहां बहुत पॉपुलर, मगर ज्योतिरादित्य सिंधिया हो या सचिन पायलट हो, मैं इतना कह सकता हूं कि ये राहुल गांधी जी के कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिशन में बराबरी में खड़े हो जाएंगे तो मुझे लगता नहीं है राहुल गांधी जी इनको चुनेंगे। कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी को प्रतिस्पर्धा ना हो इस कारण से कमलनाथ जी गजब काम कर रहे हैं आज। आप पहले गठबंधन में लड़ाई लगा रहे थे, पार्टी के अंदर ही लड़ाई लगा रहे। रोहित जी, मैं जवाब देना चाहूंगा संबित पात्रा को। कभी कभी देखिए मैं इसको कंप्लीट कर दूं। देखिए, मैं लड़ाई लगाने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। कभी कभी ऐसा होता है कि जो पॉलिटिकल एनालिस्ट बन के बैठा होता है वो प्रवक्ता जैसे लगता है। कभी कभी प्रवक्ताओं को भी पॉलिटिकल एनालिस्ट बन जाना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो ये एनालिसिस है आपका कि भाई ये दोनों अगर मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो ये राहुल गांधी के लिए चैलेंज हो जाएंगे, आपको लगता है ऐसा? मुझे लगता है। हालांकि इसके पीछे एक इतिहास भी है, आप जानते हैं दोनों के पिता कांग्रेस पार्टी में एक ऐसी ऊंचाई पर आ गए जहां ये कहा गया कि भाई ये चैलेंज हो सकते हैं और उसके बाद अकस्मात खत्म हो गए। रोहित, सबसे पहले तो मैं समित पात्रा जी का बड़ा शुक्रगुजार हूं, उनकी मासूमियत पर कभी कभी कुर्बान होने को दिल करता है। तो उनकी जो मासूमियत है वो माशाल्लाह, क्या क्या कहने उसके। कांग्रेस पार्टी के अंदर सुना दो। नहीं, मैं मुझे शेर आते नहीं, इसलिए मैं सुना देता हूं। आप सुना दो, आप सुना। इंसान ना मर जाए खुदा, लड़ते और हाथ में तलवार भी नहीं, तलवार भी नहीं। वैसे आजकल जो पार्टी के प्रवक्ता लोग हैं वो इतनी शेर शायरी करने लगे, इतनी कविताएं सुनाने लगे जैसे लगता है उन्होंने ट्रेनिंग ले रखी। ठीक, आप बात कहें जो कहना चाहते हैं। महत्वपूर्ण बात इसमें यह कि सचिन पायलट के पिताजी राजेश पायलट थे जो बहुत जुझारू नेता थे और बहुत बहुत ऊर्जावान नेता थे। अगर वो जिंदा होते तो आज शायद कांग्रेस पार्टी कुछ और बेहतर होती। माधव सिंधिया भी बहुत ही पोटेंशियल वाले लीडर थे और एक जमाने में उनको माना जाता था वो देश के प्रधानमंत्री हो सकते हैं। सचिन पायलट के बारे में तो जरूर कह सकता हूं कि कम से कम उन्होंने अपने पिताजी की जो सपने रहे होंगे उनको लेके उनसे बेहतर करने की कोशिश फिलहाल करें, क्योंकि 34-35 साल की उम्र के अंदर, 5 साल के अंदर राजस्थान में जाना, बूथ बूथ तक संगठन को खड़ा करना एक बड़ा काम है जो बहुत बड़े बड़े नेता नहीं कर पाते हैं। ज्योतिरादित्य से मुझे उम्मीद थी कि वो पूरे मध्य प्रदेश का दौरा करेंगे, उसी तरीके से काम करेंगे, लेकिन शायद उनसे वो काम हो नहीं पाया। वो शायद अभी भी महाराज की भूमिका में रहना चाहते हैं। वो पाया नहीं है, उनको करने नहीं दी गया क्योंकि कमलनाथ को भूमिका दे दी गई ऑलरेडी। वो इसलिए दे दी गई क्योंकि शायद वो उस जिम्मेदारी को लेने के लिए तैयार नहीं था। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन उत्तर प्रदेश के एक बड़े नेता हैं जो कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे हैं। एक बार मैंने उनसे पूछा कि आप दिल्ली में क्यों, आपको उत्तर प्रदेश में जाना चाहिए। उन्होंने कहा, देखो मेरी इतनी ताकत नहीं है कि मैं पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा कर सकूं, मैं यहीं संतुष्ट हूं। तो कभी कभी आपके अंदर महत्वाकांक्षाएं बहुत होती हैं, लेकिन उस महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जो शरीर की जो का दम और ऊर्जा होता है वो नहीं हो पाता। लेकिन पात्रा जी ने जो बात कही है और मैंने जिसको कहा कि आप कांग्रेस के अंदर ही लड़ाई लगवाने की कोशिश कर रहे हैं, संबित पात्रा, क्या ये बात जायज नहीं है कि भाई अंदर खाने इस बात को उठाना कि ये दोनों बड़े नेता बन जाएंगे तो राहुल गांधी के लिए चुनौती हो जाएगी और अगर उनसे तुलना की जाने लगेगी राहुल गांधी की तो मुश्किल होगा उनके लिए।
देखिए आज वो ऐसी स्थिति नहीं है कि दोनों में से कोई भी नेता राहुल गांधी के लिए किसी प्रकार की चुनौती बन सके। सर, लेकिन आप जो बात कर रहे थे कि राहुल गांधी की जीत है, नहीं संबित पात्रा का कहना तो उनके आज वहां पर नारे लग रहे हैं हमारा नेता कैसा हो, सचिन पायलट जैसा हो। नहीं ठीक है, वो अपने स्टेट की बात कर रहे हैं, वो राष्ट्रीय स्तर की बात नहीं कर रहे हैं। और राहुल गांधी ने देखिए एट द एंड ऑफ द डे ये मानना पड़ेगा कि राहुल गांधी की लीडरशिप इन तीन जीतों के बाद एस्टैब्लिश हो चुकी है और उस स्तर तक पहुंचना हो पार्टी को, पूरी पार्टी को देश भर में लेके चलने की क्षमता इन दोनों लीडर्स में नहीं है। अपने स्टेट की अलग बात है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पे चैलेंज बन सके इनमें, जैसा आशुतोष ने कहा कि वो चीज नहीं है जो किसी जमाने में माधवराव सिंधिया या राजेश पायलट में थी। वक्त लगता है उसमें, वक्त लगेगा। नहीं तो आज की डेट में जो संबित पात्रा जो कह रहे हैं वो तो आप ही के पास आ रहा हूं, अपनी पार्टी से ट्विस्ट को ट्विस्ट देना चाह रहे हैं। आप ही का बनता है वैसे इस पे कमेंट करने का। इतिहास बोले आशुतोष, इतिहास का विद्यार्थी रहा हूं इसलिए मैं इस बात को कह सकता हूं कि लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद ये ऑप्शन कांग्रेस पार्टी के पास था कि वो निर्जली गंगप्पा या कामराज को प्रधानमंत्री बनाते, लेकिन वो खुद इंदिरा गांधी के पास गए और इंदिरा गांधी की मृत्यु के पास भी कांग्रेस पार्टी के ऑप्शन था या जैल सिंह के पास ऑप्शन था राजीव गांधी को न बना किसी और को बनाते। और राजीव गांधी की मृत्यु के बाद सोनिया गांधी के पास कांग्रेस पार्टी गई थी, उन्होंने मना कर दिया था कि मुझे कांग्रेस राजनीति में नहीं आना, मैं अपना पति खो चुकी, मैं अपने बेटों को नहीं, बेटे को नहीं खोना चाहता। 8 साल के बाद कांग्रेस पार्टी खुद सोनिया गांधी के पास गई थी। ये पहला मौका है जब सोनिया गांधी नेहरू गांधी परिवार के किसी व्यक्ति ने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया है। तो सवाल ये क्यों बार बार कांग्रेस उनके पास जाती है, इसलिए जाती है क्योंकि उनको मालूम है नेहरू गांधी परिवार के अलावा कोई पार्टी कोई संगठन को जोड़कर नहीं रख सकता। ये जो ममता बनर्जी खड़ी हुई या जीके मुपनार खड़े हुए ये कौन थे, ये सीताराम केसरी के जमाने में खड़े हुए। ठीक ठीक ठीक, जल्दी से संजय जी अपना कमेंट रख ले, फिर यहां आलोक जी कमेंट करेंगे। बोलिए रोहित जी, मैं तो यही कहूंगा कि पहले अपने घरेलू समस्याओं पर संबित जी जरा गौर करें, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा तो उनके एनडीए को छोड़ के चले गए। सावित्री बाई फुले ने कहा कि मोदी जी की जो सरकार है वो जानबूझकर समाज को तोड़ रही है, इसीलिए वो दलितों के विरुद्ध है, इसलिए उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। तो आप अपने घरेलू जो आपके जो मसले हैं उस पर गौर करें संबित जी, क्योंकि नारा जो देश भर में हमने जो सुना मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, वो ये था कि अच्छे दिन आने वाले हैं क्योंकि मोदी जी जाने वाले हैं। तो जब ये लोकप्रिय नारा हो चुका है तब हम समझते हैं कि आप कांग्रेस पहले शुरू शुरू में कहते हैं ये कांग्रेस का अंदरूनी विषय है, हम तो उस पर टिप्पणी नहीं देंगे, फिर आप उस पर कुछ ऐसे ही हल्के फुल्के बात कह देते हैं। सच्चाई तो यही है रोहित जी कि हमारे सामने नेतृत्व की कमी नहीं है। बीजेपी और कांग्रेस में जो सबसे बड़ा फर्क है कि हमारे पास टैलेंट है, हमारे पास शैली है, हमारे पास क्षमता है, हमारे पास हुनर है। इनके पार्टी में तो सब निर्णय एक नरेंद्र मोदी लेते हैं, इसीलिए देश का हालत जो हो गया है, जो दुनिया देख रही है, अमित शाह और नरेंद्र मोदी पूरे चलाते हैं, कैबिनेट में कोई किसी को हिम्मत भी नहीं है बोलने का, ये तो सब जानते हैं, ये अफवाह नहीं है। तो जिस पार्टी जिस सरकार में दो ही लोग चला रहे हैं सरकार, तो इनके पास इनकी समस्या, इनकी नजरिया, इनकी जो भी परेशानी है मैं समझता हूं, ये तो इनकी दुविधा है, इनकी कश्मकश है, हमारे पास टैलेंट की कमी है ही नहीं। और इसीलिए जब हम चयन करते हैं तो हम सबकी राय लेते हैं, उसके बाद हम चयन करेंगे, आज ऐलान या कल सुबह तक ऐलान हो जाएगा। संबित बोलिए। देखिए संजय जी ने कहा कि ये तो घरेलू मसला है, संबित पात्रा ने कहा था बीच में बोलूंगा नहीं, फिर धीरे धीरे करके बोलने लगे थोड़ा थोड़ा। नहीं सही बात है, मैंने आप शुरू में भी कहा ये घरेलू मसला है। अगर बाहर में क्या वाटर कैनन मशीन नहीं लगता, लाठीचार्ज के लिए पुलिस नहीं लगती और ये आंसू गैस वाले नहीं लगते तो हम भी कमेंट क्यों करते, आज तक वाले भी डिबेट नहीं कर रहे होते। अगर कमरे में बंद होकर कहीं चुपके चुपके ये सब निर्णय कर लेते तो ये डिस्कशन का विषय ही नहीं बनता। दूसरी बात है, देखिए एक मजेदार बात यहाँ हुई है, अभी आपने बसपा के प्रवक्ता से पूछा तो उन्होंने 4 बार अपने सेंटेंस में मजबूरी शब्द का प्रयोग किया, मैंने लिख लिया कि मजबूरी है, हमें पता है कोई जो प्रवक्ता कह दिया जाता तो उसके साथ क्या दुर्गति हो जाती है बसपा में, हम कहेंगे ही नहीं आपको प्रवक्ता। नहीं आप समर्थक है, बसपा का समर्थन करते हैं, ये प्रवक्ता नहीं है, सपोर्टर है सर, सॉरी आप उनकी नौकरी मत लीजिए, वो जो मौका छीनने में गलती हुई होगी, आप बसपा के समर्थक है, ठीक है बसपा के समर्थक है सॉरी। तो बसपा के समर्थक ने 4 बार अपने सेंटेंस में मजबूरी शब्द का प्रयोग किया कि मजबूरी है,
कोएलिशन मजबूरी है और किस प्रकार से मजबूरी का ही काम करना पड़ेगा। मुझे याद आता है मायावती जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि 2019 में मजबूर सरकार चाहिए। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मेरे भाई राजीव जी ने एक बड़ी बात कही, उन्होंने कहा क्या होता है, ये थोड़ी बहुत तो महत्वाकांक्षा होती है, अगर घर के अंदर लड़ाई हो रही है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हमें नहीं बोलना चाहिए। देखिए राजीव भाई की बात को समझना होगा, याद करिए उत्तर प्रदेश के अंतिम चरण में जब चुनाव होने वाले थे क्या हो रहा था, लड़ाई हो रही थी, यही सारा सिस्टम बाहर खड़ा था, लाठीचार्ज इत्यादि इत्यादि, लड़ कौन रहा था, पिता पुत्र चाचा भतीजे, नेमप्लेट तक उखाड़ के कोई मुलायम जी का ले गया था, साइकिल लेके कोई भाग गया था, मतलब पिता राजनीति में क्या होता है देखिए आप, पिता पुत्र चाचा भतीजे भी एक कमरे में बंद होकर लड़ रहे होते हैं और बाहर लाठीचार्ज की परिस्थिति हो जाती है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं मजबूरी नहीं, महत्वाकांक्षा की लड़ाई नहीं, स्पष्टता चाहिए और स्थिरता चाहिए जनता को 2019 में। राजीव जी दीजिए जवाब, फिर आप बोल लीजिएगा, एक बार राजीव जी पे सीधा उन्होंने कमेंट किया, वो जवाब देना चाहते हैं। रोहित भाई शायद संबित पात्रा को याद नहीं होगा, आपको याद होगा जिस पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इस पार्टी का इतिहास ही रहा है, इनको कांग्रेस दिखाई दे रहा है, समाजवादी पार्टी दिखाई दे रहा है, आपको भी केशु भाई शंकर सिंह बघेला से लेकर कल्याण सिंह तक याद होंगे कि इनके यहाँ क्या होता था। अभी इनकी पूरी चिंतन मनन, जब 7 साल बाद इनको ये मौका आया है कि रिपोर्ट कार्ड करें तो गठबंधन नहीं बनेगा, लड़ाई हो रही है, वाटर कैनन हो रहा है, अपना घर बचा नहीं पा रहे हैं, उन बातों को कह नहीं पा रहे हैं, जनता को फेस नहीं कर पा रहे हैं, कि भीतर से कितने खोखले हो चुके। आज मैं समित भाई आपको बधाई देने वाला था, मैं आपको इसी दिन या एक दिन आज तक चैनल पर कहा था, सलाह दिया था, बिन मांगे सलाह दिया था कि अहंकार ही आपको ले डूबेगा। मुझे नहीं पता था कि 3 राज्यों को डुबाकर आपका अहंकार थोड़ा क्षणिक नॉर्मल होगा, लेकिन आप फिर वापस पुराने ढर्रे पर आ गए, आदत जो बन गई ना वक्त लगेगा। मैं बस इतना कहना चाहता हूं समित भाई, मैं भाई के रूप में सलाह दे रहा हूं, अब से भी देश के राजनीतिक वातावरण के लिए, राजनीतिक माहौल के लिए, सौहार्द के लिए यह अहंकार कटाक्ष वाली भाषा बंद कर दीजिए। और आपके लिए हम लोगों के पास मौका है, आपके लिए आखिरी मौका है, जब चुनाव से पहले बता दे देश को कि वो सारे वादे किए थे, आप आग लगाने वाली बात करेंगे, आप उत्तर प्रदेश में गाय के लिए इंसान को मारेंगे, नॉर्थ ईस्ट में गाय के लिए इंसान के लिए गाय के लिए इंसान के लिए गाय मारेंगे, लड़ाई ना ही की जाए, बातों से ही थोड़ा अच्छे अच्छे तरीके से बात कह ली जाए। संबित जी बोल लीजिए, फिर यहाँ डॉक्टर साहब जवाब देना चाहते हैं आपको, बीएसपी वाले जल्दी बोलिए आप। देखिए राजीव जी ने कहा कि बड़े अहंकार, आप बताइए ये पूरे डिबेट में आपने कहाँ अहंकार देखा, मगर मतलब अगर आपने डिबेट पे बुलाया है, कांग्रेस के मुख्यमंत्री चुने जा रहे हैं, तो मुझे जैसे ही आप बोलेंगे संबित पात्रा बोलो, तो मैं बोलूंगा हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, और कुछ नहीं बोलूं, तब ये बोलेंगे बहुत बढ़िया कितना अच्छा आदमी है। और मैं अगर बड़े प्यार से समझाऊंगा मजबूर सरकार नहीं चाहिए, मजबूत सरकार चाहिए, अरे कितना बदमाश है ये, कितना अहंकारी है, मोदी जी के लिए अच्छा बोलता है, तो मैं क्या बोलूं कि समाजवादी पार्टी की सरकार बननी चाहिए 19 में। अरे आप ऐसा मत सोचिए राजीव भाई, ये अहंकार नहीं, ये हकीकत है। बोलिए सर, आप बोलिए क्या बोलना चाहते हैं। चले तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि चलो आपने राहुल गांधी जी की इमेज को जितना क्षति पहुंचाने की कोशिश करी, आज आपने मान तो लिया उनको, चैलेंज है। दूसरी बात, आपको जो वाटर कैनल और इन सब चीजों से खतरा लग रहा है, तो इसी उत्तर प्रदेश में जब सरकार बन रही थी तो मनोज सिन्हा जी दिल्ली से चल करके पूजा भी पूरी नहीं कर पाए कि उनको वापस बुला लिया बनारस से। और केशव प्रसाद मौर्य जी ने, आपने उनसे क्या पूछा था कि आप ही बताइए हमारी क्या, आपकी चॉइस क्या है। तो आप अगर अपने अंदर इतना सब देखा है और आज आप कांग्रेस को सलाह दे रहे हैं, किस रूप में दे रहे हैं। दूसरी बात, मुख्यमंत्री के खर्च में कब्जा भी हो गया था। और बहुत मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि संबित जी, इस देश के जो भी हालात है, उस हालात में एज ए दलित एक्टिविस्ट होते हुए पूरे दलित मूवमेंट की ये जिम्मेदारी है कि हम बीजेपी को रोकेंगे, हमने जनता से जो वादा किया था ये हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन बाकी दलों को हम ये बताना चाहते हैं कि ये हमारी जिम्मेदारी को मजबूरी ना समझे, हमारा सिर्फ यही कहना है। सर आपने खुद ही कहा कि गठबंधन मजबूरी है, अब उन्होंने आपका शब्द पकड़ लिया तो आपको लग रहा है कि भाई ये मजबूरी का शब्द, जिम्मेदारी भी तो कहा। एक सेकंड सर, ये जिम्मेदारी मजबूरी इसमें ये अपने बगल वाले को कंफ्यूज करना चाहते हैं या वोटर को कंफ्यूज करना चाहते हैं? ना तो ये हमारी जिम्मेदारी है या ये मजबूरी है कांग्रेस पार्टी की कि वो हमारे बिना नहीं चल सकती। देखिए ये बात आप समझ लीजिए, ये राजनीतिक पार्टियां, उनके प्रवक्ता, उनके नेता बिल्कुल कंफ्यूज्ड नहीं है।
ये अच्छी तरीके से जानते हैं इनको क्या करना क्या नहीं करना, इनको अच्छी तरीके से मालूम है कि 2019 के चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार दोबारा आ गई तो इन सब का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। इनको अपने अस्तित्व की लड़ाई और अपने अस्तित्व को बचाने के लिए करना है, इसलिए 2 फरवरी तक आप मानेंगे कि राजनीतिक पार्टी आपस में लड़ेंगे, खूब सारी बयानबाजियां होंगी, इतनी सीटें मैच है, अंत में सब हो जाएंगे इकट्ठा और इकट्ठा होने के बाद फिर वो लड़ाई लड़ेंगे मोदी जी को हराने की लड़ाई। तो ये सर्वाइवल की लड़ाई है, अभी जो कुछ बयानबाजी हो रही होने दीजिए, दे आर वेरी क्लियर इन देयर माइंड, ये बिल्कुल अंत में एक साथ ही लड़ेंगे, ये साथ में लड़ेंगे ये अभी कहना मुश्किल है। उत्तर प्रदेश में सीटों के बंटवारे पर होगा, लेकिन मैं देखिए इसमें कोई शक नहीं कि जिस तरह से कहा जाता है कि नहीं साहब यदि वो बन गए तो बिल्कुल दावेदार हो जाएंगे, देखिए इतना आसान नहीं है एक पूरे देश पे एक छवि बनाने के लिए बड़ी पार्टी के नाते भी। मैं नहीं कह रहा राहुल गांधी कितने सक्षम है नहीं है, ये तो उनको खुद प्रूव करना होगा। अभी सचिन पायलट या इवन कमलनाथ जी भी ये स्थिति में नहीं है कि वो कहें कि नहीं पूरा अध्यक्ष पद मुझे। मेरा तो मानना है कि कमलनाथ जी को यदि हो सकता है कि 3 साल पहले वहीं पर भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई होती या लोकसभा में बड़ी जिम्मेदारी दी गई होती तो शायद कांग्रेस और अच्छा कर पाती, लेकिन ये सबसे बड़ी समस्या यही है। जैसे आप कह रहे ना भाई अर्जुन सिंह जिस समय मुख्यमंत्री बने, आपको मैं खाली चूंकि जिक्र आया था अभी, उनको 5 दिन में हटा करके राज्यपाल जी को उस समय यही कहा गया था कि देश का नेता कैसा अर्जुन सिंह जैसा हो, 5वें दिन उनको बदल करके पंजाब का राज्यपाल बना दिया, लेकिन वो तब तक वो राजनीति में 25-30 साल काम कर चुके थे। इसलिए ये कहना कि मुख्यमंत्री वीपी सिंह भी मुख्यमंत्री होकर के बाद में प्रधानमंत्री के दावेदार बने, लेकिन वो केंद्र में मंत्री थे, इसलिए अभी ये बहुत जल्दबाजी है कि वो दावेदार हो जाएंगे। हाँ ये ठीक है एक युवाओं में आपस में जो प्रतियोगिता हो सकती है वो परिवारों में हो सकती है, तो मुझे लगता है कि पार्टी में भी है। यदि अडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी क्या नहीं मानते थे कि एक दूसरे को हम भी प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, सुषमा स्वराज भी दावेदार थी, एक अच्छी बात है, लोकतंत्र में पार्टियों में इतने नेता होना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूं, लेकिन अभी उनको लंबी दूर की यात्रा करनी होगी, पहले मुख्यमंत्री तय करें और उसमें जैसे आपका सर्वे दिखा रहा है, लेकिन मेरा ऐसा अभी भी मानना है कि उनको पार्टी को देखना होगा कि कौन सबको साथ लेकर चल सके। जैसे भूपेश बघेल ने लड़ाई ली, आपका सर्वे वैसे कह रहा है, लेकिन सिंहदेव से ज्यादा भूपेश बघेल के संघर्ष को यदि नहीं नोटिस लिया गया तो वहां उनके साथ जो जुड़े हुए लोगों को क्या करेंगे। ठीक, फटाफट आपको एक बार फिर से ओपिनियन पोल के आंकड़े दिखा देते हैं जो आज तक ने किया, कांग्रेस के वोटरों के बीच जाकर उनसे पूछा आप किसको मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। राजस्थान में अशोक गहलोत को 57% लोग मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं, सचिन पायलट 39% वोटरों की पसंद है उनमें जिन्होंने कांग्रेस को वोट किया, 2% सीपी जोशी के लिए भी वोट कर रहे हैं। ये आंकड़ा आपके सामने है। अब मध्य प्रदेश आपको दिखा देते हैं, मध्य प्रदेश की तस्वीर, ज्योतिरादित्य सिंधिया को 53% कांग्रेस के वोटर मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, 41% कमलनाथ को देखना चाहते हैं, 3% दिग्विजय सिंह के पक्ष में वोट कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की भी तस्वीर आपको दिखा देते हैं फटाफट, छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा पसंद किए जा रहे हैं टीएस सिंह देव, छत्तीसगढ़ में टीएस सिंह देव को 38% वोट मिले, भूपेश बघेल को 34% लोगों ने पसंद किया है और ताम्रध्वज साहू को 11% लोगों ने पसंद किया है और चरणदास महंत के लिए भी 10% लोगों ने वोट किया है। यह कुल मिलाकर ओपिनियन पोल है, लेकिन इस ओपिनियन पोल से तो संबित पात्रा कांग्रेस निपटेगी, आप 2019 के पहले जितने ओपिनियन पोल होंगे उनसे कैसे निपटेंगे? राम मंदिर का निर्माण कब शुरू कर रहे हैं? देखिए रोहित जी, जहां तक ओपिनियन पोल का सवाल है, पहले तो मैं आज तक का बधाई करूंगा, आपका ओपिनियन पोल सबसे ज्यादा सटीक ओपिनियन पोल था, बिल्कुल जिस प्रकार का प्रेडिक्शन आप लोगों ने किया था लगभग उस प्रकार का नतीजे आए हैं, बिल्कुल एग्जिट पोल में जो आपने किया था वो बिल्कुल उसी प्रकार का है। एक बात बहुत ध्यान देनी योग्य है, देखिए राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश तीनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। मध्य प्रदेश का चुनाव तो कल रात 1 बजे तक भी चल रहा था, लगभग सुबह तक ही चुनाव चल रहा था और जिस प्रकार से 0.1% वोट शेयर हमें अधिक मिले हैं, कुल मिला के 22,000 वोट का ही विषय है, 5,000 वोट और 7 सीट अगर भारतीय जनता पार्टी के पास 15 साल के एंटी इनकम्बेंसी के बाद होती तो प्रदेश आज हमारा होता। मैं बधाई देता हूं कांग्रेस के प्रवक्ता यहां बैठे हैं, ये देखिए राजनीतिक पार्टी अपने जीता वही सिकंदर तलाशती है चीजें। आशु जी आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं, हालांकि समय खत्म है फिर भी आप बोलिए। छोटा सवाल है समित जी की, मोदी जी कहते हैं मैं देश का चौकीदार हूं, प्रधानमंत्री हैं, शिवराज सिंह चौहान विपक्ष में कहते हैं मैं चौकीदार हूं, ये चौकीदार बनने की होड़ क्यों हो रही? तो इसमें क्या बुराई है? बुराई की बात नहीं कहता हूं, मैं कहता हूं ये अगर चौकीदार कर रहे क्या मोदी जी की,
रोहित जी मैं कुछ कहना, क्या हो गया हमारे सर्वोच्च नेता हैं, अगर कोई नहीं, अगर सर्वोच्च नेता हैं, अगर उनके शब्दों को हम दोहराते भी हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, मगर मुझे बुरा तब लगा। देखिए आज संजय जी भी हमसे अच्छे से बात कर रहे हैं, हम भी संजय जी से अच्छे से बात कर रहे हैं, मगर परिणीति शिंदे जी ने जिस प्रकार से मोदी जी को गमछा डाले हुए चाय बेचते हुए दिखाया है कल जीत के बाद, मुझे लगता है गरीबों का इस प्रकार का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। कल वो जो तस्वीर थी वो सोशल मीडिया पर तस्वीर चल रही है जिसका संबित पात्रा जिक्र कर रहे हैं, स्मृति ईरानी ने उसको लेकर ट्वीट भी किया है कि मुखौटा लगाए हुए नरेंद्र मोदी अमित शाह का और गमछा डाले वहां कार्यकर्ताओं से चाय बंटवाने की तस्वीरें क्यों इस तरीके से चलाई जा रही हैं, ये भी खैर राजनीति की एक तस्वीर है। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।